हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम टू आवर चैनल साइंस ई सॉल्यूशन। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज द की टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की जो चाबी है वो क्या है, क्या तरीका है जिससे हम कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। अगर आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक भी ज़रूर दें। ऐसे रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। So what is the key to crack any competitive exam? ज़्यादातर students सोचेंगे it is coaching. Okay? Coaching is mandatory to crack any competitive exam, but ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Okay? आज के ज़माने में जब बहुत सारे videos आपको free में मिल रहे हैं, अगर आपके अंदर एक जुनून है पढ़ाई करने का या फिर कोई भी exam crack करने का, तो आप topics को details में फ्री तरीके से, काफ़ी तरीके से आप वो जान सकते हैं एंड यू कैन ईजिली क्रैक द एग्ज़ाम। येस, कोचिंग विल हेल्प यू अलॉट। कोचिंग आपको पैटर्न सिखाते हैं, तरीका सिखाते हैं, आपकी स्पीड बढ़ाते हैं, बट अगर आप सही में इंटरेस्टेड हैं, आपके अंदर सही में वो जुनून है, तो आप खोज के भी वो यूट्यूब में बहुत सारे फ्री वीडियोज़ के ज़रिए आप ये सारी बातें जान सकते हैं। सो कोचिंग इज़ नॉट मैंडेटरी, बिकॉज बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जो बिना कोचिंग के भी उन्होंने टॉप किया है, कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो कोचिंग ना भी लें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, दैन यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम्स। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ द की टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। उसमें आप सोचेंगे कि दो स्टूडेंट्स विल स्टडी 16 आवर्स 15 आवर्स दे कैन ओनली क्रैक द एग्ज़ाम। अब ऐसा भी नहीं है। अगर 16 आवर्स 15 आवर्स आप एक किताब खोल के कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं, इट विल नॉट हेल्प यू। ओनली 7 to 8 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडीज़ विल हेल्प यू। ठीक है, आप ओनली 7 से 8 घंटे पढ़ेंगे, बट इफेक्टिवली पढ़ेंगे। क्या पढ़ा है आपको पूरा याद है। ठीक है, तो इट विल हेल्प यू अलॉट। हाँ, कंटिन्यू स्टडीज 7 to 8 आवर्स रोज़ के रोज़, ऐसा नहीं हफ्ते में एक या दो दिन पढ़ लिया, रोज़ के रोज़ आप अगर 7 to 8 आवर्स कंटिन्यू स्टडी करते हैं, देन इट विल हेल्प यू। ओके, अब जब आप 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, तो आप सारा का सारा कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, हाफ ऑफ द चैप्टर कवर कर रहे हैं, एक दिन में आप जितना भी पढ़ रहे हैं, आप आधा घंटा एक्स्ट्रा दीजिए, यानी आप 7 घंटे पढ़ रहे हैं, 6.5 आवर्स आपने उस टॉपिक को पढ़ा जो आपको 11th के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, आपको टाइम मैनेज करके चलना है। 11th में आप 11th के साथ बिजी हैं, 12th में आप 12th के साथ बिजी हैं, इन दोनों क्लासेस के अपने क्लास टेस्ट हैं, यूनिट टेस्ट हैं, इसके बाद 12th में बोर्ड एग्जाम्स के प्रेशर हैं, उसके बाद आता है आपका कंपिटिटिव एग्ज़ाम। तो ये बात आप ध्यान रखिए, बिकॉज 11th में आप इन सारे कोर्स के साथ इन 2 साल पूरे बिजी होने वाले हैं, सो यू डोंट हैव टाइम। आपको लगेगा बहुत टाइम है, 2 साल है, 3 साल है, सो यू कैन डू इट, बट 2 साल या 3 साल यू आर बिजी विथ समथिंग एल्स। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स साइड बाई साइड, यानी जो आप 7 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 6.5 आवर्स यू विल डू दैट टॉपिक स्टडी ऑफ दैट टॉपिक। ठीक है, आधे घंटे आप अपने एग्जाम्स के लिए निकालिए, यानी जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें IIT के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, फिजिक्स में फिजिक्स का टॉपिक कवर किया, टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स या फिर कौन से फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें उसी समय मार्क करके रखिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी सुपर बिजी द नेक्स्ट 2 or 3 ईयर्स। ओके, सिमिलरली नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कोई भी टॉपिक है, आप नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उस टॉपिक के, उस चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, वो सारी चीज़ आपको मार्क करने हैं। ठीक है, इस तरीके से आप 11th, 12th और साइड बाय साइड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग फॉर टाइम मैनेजमेंट, एग्ज़ाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट। कई बच्चे एग्ज़ाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, सारा कोर्स आपने पढ़ के ख़त्म कर लिया, बट एग्ज़ाम में वो 3 घंटे हैं वो आपके लिए बहुत कम पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स आपने टेस्ट पेपर या मॉक टेस्ट नहीं लिया है, तो एग्ज़ाम्स के सामने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट कीजिए, टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। जितने आप टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही आप उस टेस्ट के करीब जाते जाएंगे, आपके लिए बिल्कुल अननोन नहीं होगा। एग्ज़ाम के दिन वो जो पेपर होगा वो आपके लिए नोन होगा और आप उसको जल्दी 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 टाइम मैनेज करके सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, और जब आप टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें बहुत बढ़िया बात ये होगी कि यू विल फाइंड आउट योर वीक एरिया एंड स्ट्रॉन्ग एरिया।
ओके, यू विल ऑल्सो फाइंड आउट इंपॉर्टेंट एरियाज, इंपॉर्टेंट एरियाज जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आप उनमें ज़्यादा फोकस करेंगे, और वीक एरियाज स्ट्रांग एरियाज, यानी आपको आपके लिए कौन से एरियाज वीक हैं आप उनको ज़्यादा 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 बार रिवाइज करेंगे, जो वीक एरियाज हैं स्ट्रांग एरियाज जो हैं उनको आप कम बार रिविजन करेंगे. तो यू कैन फाइंड आउट ऑल दिस एंड मैनेज योर टाइम अप्रोप्रिएटली. ठीक है, बस आपके अंदर क्या है वो जुनून होना पड़ेगा कि आपने ये क्रैक करना है. सो यू विल सॉल्व मोर एंड मोर टेस्ट पेपर्स, यू विल फाइंड आउट योर वीक एरियाज, यू विल रिवाइज मोर इन योर वीक एरियाज. ओके, इन दिस वे यू कैन मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली बिफोर एग्जाम्स. ओके, मैनेजिंग टाइम टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस एंड ड्यूरिंग द एग्जाम टू फिनिश द पेपर विद 100% एक्यूरेसी. होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट.